Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Welcome back to yet another exciting video, guys. This is a perfect Karva Chauth time. So, what better time to give you this beautiful makeup look, hai na? So, isliye maine fatafat socha ki aaj ye video upload karte hain. And yes, without blabbering much, we can just quickly jump into the video jahan par aapko main ye easy sa, simple sa Karva Chauth makeup look dikhane wali hoon. And yes, aap bhi kal अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. वॉश करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए. मॉइस्चराइजिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस क्रीम. दिस इज फ्रॉम द मॉम्स को विटामिन सी क्रीम. So I'm just going to apply a good amount, मतलब इतना amount of cream on my face. And you know, this is so nice. मतलब इसको लगाने के बाद आपको इतनी अच्छी fragrance आती है ना एक तो. And you know what? Applying moisturizer is a therapy on its own. मतलब अच्छे से उसको लगाओ, spread out करो and या यस गाइज, इसके आगे से मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जैसे मैंने फुटेज देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आवाज़ जो थी वो ज़्यादा नहीं आ पा रही थी क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था, तेज़ आ रहा था. एज द फेस्टिवल्स हैव स्टार्टेड तो हर जगह से यू नो हॉर्न एंड ट्रैफिक एंड वॉट नॉट, सो इसलिए बेस्ट वॉज टू स्टार्ट द वॉइस ओवर. सो यस, आई हैव डन दैट. सो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. इसमें जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको बताती जाऊंगी. सो हमने सबसे पहले यहाँ पे आई थिंक हम आईज़ पर जाएंगे. आईज़ का मेकअप सबसे पहले करते हैं. उसके लिए हम बेस लगा लेते हैं, दैट इज़ द कंसीलर. यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का 02 शेड कंसीलर यूज़ किया है. कंसीलर लगाने से बेसिकली क्या होता है, हमारे जो भी हम आई शेडो लगाने वाले हैं उसका कलर जो होता है ईजिली अच्छे से पॉप आउट होकर आता है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ द कंसीलर. और एक बेस भी मिल जाता है हमें, राइट. सो कंसीलर इज़ इम्पॉर्टेंट, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपकी मर्जी. हेयर आई एम गोइंग टू यूज़ द मेकअप रेवोल्यूशन प्रो एच डी पैलेट इन विच आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्राउन शेड्स. हम अर्दी शेड्स यूज़ करने वाले हैं, सो इसके लिए हमने यहाँ पे ब्राउन शिमरी शेड है, ब्राउन शेड. तो इसके लिए मैंने इसको बेस में जो रखना है अपना बेस वो मैं यहीं इसी शेड से रखूँगी. तो मैंने अपने आईलेट पे लगा लिया. इसको हम बेसिकली कलर बिल्डअप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके. हमने जो पिकिंग वाला ब्रश था उससे मैंने पिक करा है कलर को, और उसके बाद मैंने उसको आईलेट पे लगाने के बाद फ्लफ़ी ब्रश से उसको अच्छे से स्मज कर लिया, लाइक इट अच्छे से ब्लेंड कर लिया, नॉट स्मज, ब्लेंड कर लिया. बेसिकली आफ्टर पिकिंग द कलर आई हैव ब्लेंडेड इट प्रॉपरली. सो आप देख रहे होंगे मैं आउटर कॉर्नर में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए, बिकॉज ब्लेंडिंग में कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए. डूइंग द सेम ऑन द अदर आई ऑल्सो. सो नाउ कीपिंग इन माइंड कि हम लाइट कलर से डार्क में जाते हैं, हम ट्रांजिशन शेड्स यूज़ करते हैं, एंड इन द एंड आई एम यूजिंग द ग्लिटरी शेड ऑन द मिडल ऑफ द आई. नाउ हेयर आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द आई लाइनर, मैं यहाँ पर काजल यूज़ करूँगी. उसके बाद मैं स्मज आउट करने के लिए सेम जो मैंने कलर पिक किया था लास्ट ब्रश में वही कलर से मैं उसको स्मज आउट कर दूँगी ताकि थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आए, नॉट हार्श लाइन्स एनी वे. यू विल नॉट सी एनी हार्श लाइन्स एनी वेयर. सो या इसके बाद हमारी आईज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी. देन जितना भी फॉल आउट था उसको हमने वाइप से साफ़ कर लिया. उसके बाद हमने प्राइमर लगाया. प्राइमर से हमारा बेसिकली एक कैनवस मिल जाता है हमें मेकअप करने के लिए. सो या, सो दिस इज़ द कैनवस और दिस इज़ द प्राइमर दैट आई हैव यूज्ड हेयर. फ्लावर ब्यूटी का प्राइमर था जो मैंने यूज़ किया. एंड येस, मैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. मैं यहाँ पर अपनी डार्क सर्कल्स और जितनी भी पिगमेंटेशन मुझे लगती है वो मैं कंसील करने वाली हूँ, करेक्ट करने वाली हूँ. बेसिकली उसके लिए मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया. ऑरेंज करेक्टर से क्या होता है, वो जो भी आपकी डार्क स्पॉट्स हैं उनको हम अभी हमने उनको थोड़ा हाईलाइट करा ऑरेंज करेक्टर से. उसके बाद हमने अपनी अपनी जितनी भी आपकी जो भी आपकी टोन है, स्किन टोन है, उससे एक शेड डार्क कर आपने अपना कंसीलर यूज़ करना है उसके ऊपर ताकि वो कैमोफ्लाज हो जाए. ऑरेंज को हमने कवर कर दिया. उसके बाद वी आर गोइंग टू लाइटन दिस एरिया जो कि हम एक कंसीलर, लाइट शेड के कंसीलर से यूज़ करके उसको लाइट करते हैं. सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज़ द फाउंडेशन, हुडा ब्यूटी की चाय शेड में फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज़, एंड जस्ट वन पम्प ऑफ इट. एक पम्प बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम
आई एम जस्ट ओके विद वन पम्प ऑफ हुडा ब्यूटी. सो इसको लगाने के बाद मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड आउट कर लिया एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट. सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि कुछ भी प्रोडक्ट आपके ऊपर, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था वो ब्लेंडर पे आ जाता है एंड यू कैन पुट इट प्रॉपरली ऑन योर फेस एंड ऑब्वियसली ऑन द नेक एरिया. जो भी आपका विजिबल होगा वो एरिया को आप कवर कर लीजिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैलेट ऑफ शुगर इन विच इट हैज़ द कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश, तीनों चीज़ें मिल जाती है. सो आई रियली लव दिस पैलेट एंड आई एम गोइंग टू कॉन्टोर द फेस एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ब्लश, जो इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था. तो कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू यूज़ अब दिस ब्लेंडर अगेन एंड या वोला इट्स डन. ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट स्टेप इज़ द बेकिंग. मैं यहाँ पे बेकिंग भी कर रही हूँ ताकि जितने भी मैंने कंसीलर लगाया था वो अच्छे से सेट हो जाए. बेसिकली आई एम सेटिंग द बेस. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना मेबलिन का लूज़ पाउडर लेकर उसको अच्छे से सेट कर दिया. आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड फ्रॉम द सेम पैलेट. मैंने यहाँ से हाईलाइटर यूज़ किया, हाईलाइटर अप्लाई किया, दैट्स इट. उसके बाद मैं आईज़ पर आती हूँ. मैंने यहाँ पे लास्ट चीज़, मैंने लास्ट में सोचा कि आई शुड यूज़ काजल. वाटर लाइन भी मैंने यहाँ पे काजल यूज़ किया, सेम काजल जो हमने अपर लिप पे यूज़ किया था वही हमने यहाँ पर वाटर लाइन में यूज़ किया. अब इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट. यहाँ पर हमने एक ब्रश उठाया और उसके बाद उसको एक शेडो को, आई शेडो, आई पिक्ड अ शेडो हेयर एंड आई एम गोइंग टू स्मज इट आउट. बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव अ लुक ऑफ स्मजिंग आउट काजल. तो नीचे से भी हमने स्मज आउट कर दिया एंड यस, जितना भी हमने एक्सेस पाउडर रखा था फेस पे उसको हमने डस्ट ऑफ कर लिया. नाउ कम्स द लास्ट थिंग विच इज़ द आईब्राउ. वो मैंने फटाफट से आईब्राउ ऑफ कैमरा कर ली एंड देन आई एम अप्लाइड दिस मेबलिन की पिंक न्यूड लिपस्टिक जो मैंने आपको अपनी फेवरेट्स न्यूड में ऑलरेडी दिखाई. Voila guys, this is the look that I have created. हमने फटाफट चेंज कर लिया है, सिंदूर ऑब्वियसली लगा लिया, बिंदी लगा ली, इयररिंग्स पहन लिए, कपड़े चेंज कर लिए, साड़ी पहन ली एंड येस दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस लुक एंड यू कैन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस लुक एंड क्रिएट समथिंग सिमिलर एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो. ये मेकअप लुक बहुत ईजी था बिकॉज हमने इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स, हमने जो भी हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वही करे बट थोड़े से हैवी करते. ये सारा आई अग्री एंड आप अपने करवा चौथ लुक में ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं. सो आई थिंक आई एम गोना गो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.